और निवाड़ी से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां चलती कार में नाबालिग के साथ रेप की वारदात हुई है। बता दें आपको, लड़की के रिश्तेदार पर रेप का आरोप है। पुलिस ने पटवारी और कार ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है। तो निवाड़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाबालिग लड़की से चलती कार में गैंगरेप हुआ है। लड़की के रिश्तेदार पर रेप का आरोप है। पुलिस ने पटवारी और कार ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है। चलती कार में रेप हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता, तो निवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां चलती कार में नाबालिग लड़की से रेप हुआ है। वहीं लड़की के रिश्तेदार पर रेप का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने पटवारी और कार ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है। निवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां चलती कार में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात हुई है। वहीं लड़की के रिश्तेदार पर रेप का आरोप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लड़की के साथ रेप हुआ है, क्या अभी आरोपी पकड़ा गया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला ओरछा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के ही नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा चलती कार में दुष्कर्म किया गया है। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट के आधार पर ओरछा पुलिस ने जो आरोपी पटवारी है उसको गिरफ्तार कर लिया, साथ ही जो कार चालक है उसको भी ओरछा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उमेश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लड़की का रिश्तेदार तो है, पर क्या, किस तरह से निजी रिश्ते क्या है, मतलब परिवार में कौन लगता है आरोपी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो नाबालिग लड़की है जिसके साथ दुष्कर्म किया, जिस आरोपी ने दुष्कर्म किया है उसका वो चाचा बताया जा रहा है, नजदीकी चाचा बताया जा रहा है। ये दुष्कर्म की जो लड़की है वो निवाड़ी परीक्षा देने गई थी, परीक्षा देने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो ये उनके जो रिश्तेदार हैं वो उन्हें रास्ते मिल गए, वो लेके ओरछा आ रहे थे। ओरछा आते समय रास्ते में इन्होंने अपनी भतीजी, जो रिश्ते में भतीजी लगती उसके साथ चलती गाड़ी में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद ये उस लड़की को बहुत छोड़ा है, उसने जाके अपनी पूरी आपाबीती अपने परिजनों को बताई। परिजनों के साथ जब वह लड़की थाना आई तो उसके बाद मामला दर्ज करवाया है। बहुत शुक्रिया उमेश हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो निवाड़ी से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रिश्तेदार ने ही नाबालिग के साथ रेप किया है, चलती कार में इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने भी पटवारी और कार ड्राइवर जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है पुलिस। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।